कॉम्पोजिशन चलता है तो मिस्टर राज ने बताया कि कॉम्पोजिशन अवॉइड करनी चाहिए, डिफाइन करना चाहिए और अपनी प्रोसिक्यूशन लाना चाहिए ऐसे ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। लेकिन लॉ में ये मैंडेटरी है कि कोई लॉ ऑफिसर कोई लॉ पेपर करता है या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करता है और चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर उनको रिपोर्टल कर दिया जाता है तो उसके कोई कॉम्पोजिशन कोई प्रोसिक्यूशन नहीं आ सकता। लेकिन उसमें एक मैंडेटरी प्रावधान है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो वो जिस पद पर है उस पद पर उसका जो सीआर बनता है अगर वो ऐसा खास एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके उसके सीआर पर ये इफेक्ट होना चाहिए कि उसको प्रमोशन मिलने पर उसको कॉम्पोजिशन उसको जो उसके पेमेंट पे वेतन वृद्धि मिलने पर उसको रोक लगनी चाहिए कि एक पीएल आना चाहिए कि उस पर उसका इफेक्ट पड़े कि अगर उसने कोई खास इन्वेस्टिगेशन किया है तो उस पर उसकी प्रमोशन पर उसकी जो भविष्य की जो भी उसकी ज्वाइंट जो भी उसकी नौकरी है उस पर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। इसलिए इनके लिए भी एक पीआईएल होना चाहिए। और जहाँ तक लीगल एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बहुत सारे वकील और ह्यूमन राइट के अथॉरिटीज हैं, मैं छत्तीसगढ़ में सबसे लोअर जुडिशरी में वर्क करता हूँ जहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट जो सिंगल जज बैठता है एक ब्लॉक में, तो लीगल एक्ट मैं और एक ब्लॉक पे एक थाना होता है वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक है और 5 थाने हैं और मैं रेगुलर थानों में जाता हूँ और थानों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है उस चीज को मैं समझता हूँ। जब तक ग्रास रूट पे लीगल एक्ट को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक चाहे जितनी भी ऊपर चाहे सुप्रीम कोर्ट की जितने जजमेंट आ रहे हैं हाईकोर्ट के जितने जजमेंट आ रहे हैं और उसको फॉलो कराने की बात हो लोअर कोर्ट पे जब तक उस चीज को ठीक नहीं किया जाएगा वो फॉलो नहीं करता लीगल एक्ट पे। आखिर जब कोई व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो पहले पुलिस कस्टडी में उसका इतना ज्यादा शोषण हो जाता है और उसके बाद वो जेल प्रिजनर जाता है बार बार हमारे बीच बात हो रही है जेल प्रिजनर में उनको लीगल एड उपलब्ध कराना चाहिए। पुलिस कस्टडी में लीगल एड उपलब्ध कराने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे लॉयर जिनका पॉलिटिकली इफेक्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टेट की सरकार पे, क्योंकि मैं खुद रूलिंग पार्टी का एक पॉलिटिकल सदस्य हूँ और मैं इफेक्ट करके वो थाने के अंदर जाता हूँ थाने पे 90% मामलों में हम लोग उसको थाने पे मामले ही बदल नहीं देते कई मामलों में तब से कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं उसके बाद उन मामलों में। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है वहां पर करप्शन बहुत किसी भी मामले को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जाए चाहे जितनी अप्रोच हो। अगर कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम किया भी है अगर उसके विरुद्ध कोई क्राइम का मामला बनता भी है और वो किसी रिमांड कोर्ट में पेश होता भी है उसके जो चार्जशीट पेश हो रही है वो तो होगी उसके एवज में उस व्यक्ति से संबंधित टीआई या एसएचओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जबरन की वसूली करके उसको डरा कर उसके ऊपर एक लीगल चार्जशीट भी पेश कर देता है और फिर शोषण भी कर देता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ग्रास रूट पर जब तक लीगल एंड ठीक पहुंच पाएगा उसके लिए जो विभिन्न प्रकार की एनजीओ है जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क है इन्होंने 15 राज्यों में अपने प्रेजेंट एडवोकेट रखे हैं लेकिन ये हाईकोर्ट तक ही प्रेजेंट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक उसके लोअर कोर्ट तक और रिमांड कोर्ट तक प्रेजेंट नहीं है और जो भी है जो वर्क कर रहा है वो केवल बड़े लेवल पे कर रहा है कि निश्चित समय में किसी एरिया में चले जाता है वहां पर ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैं वहां पर बहुत हुआ हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है और मैं छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बाहर भी हो रही है छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाकों में खास करके लीगल एड की सुविधा है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एड वकील हैं विधिक हम लीगल कैंप होते हैं हम जजों के साथ लीगल कैंपों में जाते हैं उन जजों को लीगल कैंप करने के लिए 5 यूनिट मिलती है स्टेट उनको उनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उनको प्रमोशन करने के लिए 5 यूनिट मिलती है। अगर कोई लोअर कोर्ट का जज किसी गाँव पर लीगल एड का कैंप करता है तो उसको 5 यूनिट मिलती है ताकि उनको निचले स्तर तक जितने भी ह्यूमन कार्यकर्ता है निचले स्तर तक उनको सक्रिय होना पड़ेगा और
Thank you.